सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, ये वीडियो रिसाला जाटों के विद्रोह पर है। इस रिसाले को द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंबई से जहाज द्वारा बाहर भेजा जाना था। 24 घंटे का समय इनको दिया गया था। इस दौरान इन जाटों ने शहर में किसानों पर अत्याचार तथा धर्म की धर्मांतरता के कारण समुद्र पार ना करने के भाषण सुने। इसी बात को लेकर ये पूरी स्क्वाड्रन अड़ गई कि हम बाहर नहीं जाएंगे। इनका कोर्ट मार्शल किया गया तथा इनको अंडेमान जेलों में भेज दिया गया। उस जमाने में अंडेमान को काला पानी कहा जाता था। यह घटना सन 1942 के आसपास की है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था। यह रिसाला अंग्रेजों की सेना का एक भाग था जो इटली में हिटलर के विरोध में लड़ रहा था। उस समय तक राजा महेंद्र प्रताप द्वारा सन 1922 में गठित आजाद हिंद फौज को पुनर्जीवित करके कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे। इस रिसाले के ऊपर यह पर्चे गिराए गए कि आपकी आजाद हिंद फौज बन चुकी है, और इन पर्चों को पढ़कर ही इस रिसाले के जवानों में देशभक्ति की भावना और प्रबल हो गई। जब अंग्रेज अपना दरबार लगाकर 6 नंबर रिसाले से पूछते कि यदि हिटलर को पकड़ लिया जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब भारतीय जाट जवान जवाब देते थे कि जैसे एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ करना चाहिए। अंग्रेज भाप गए थे कि इन जवानों में देशभक्ति की भावना जाग चुकी है, और इन जवानों ने अपनी तोपों का मुंह अंग्रेजी सेना पर कर दिया। ये रिसाला 27 जुलाई 1944 ईस्वी को इटली के समुन्दर द्वारा शहर में बैठा तथा 11 अगस्त 1944 ईस्वी में कराची की बंदरगाह पर उतर गया। इस रिसाले में अमीर सिंह सुहाद मातनहेल तथा नायब सूबेदार खजान सिंह अहलावत गोची थे, और कुल मिलाकर 450 जाट। इस सफर के दौरान अमीर सिंह सुहाग ने भड़काने वाले भाषण दिए। इन सभी जाट सैनिकों ने फैसला किया कि जब हम कराची बंदरगाह पर उतरेंगे तब हम अंग्रेजी हेड को ठोकर मार कर कहेंगे कि अंग्रेजों वापिस इंग्लैंड जाओ। यह योजना का पता किसी दुष्ट गद्दार ने अंग्रेज ऑफिसरों को दे दिया, और इसी की एवज में जो विजय रिसाले के स्वागत का प्रोग्राम कराची में बनाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी जब 6 नंबर रिसाला कराची बंदरगाह पर उतरा तो इन्होंने अंग्रेजी हेड को इंग्लैंड की तरफ ठोकर मार कर कहा था कि अंग्रेजों वापिस इंग्लैंड जाओ और हमें आजाद करो, अब बहुत हो चुका। इस रिसाले को स्पेशल गाड़ी के द्वारा कई स्थानों पर भेज दिया गया। जब यह रिसाला कराची उतरा तो इन्होंने अमीर सिंह सुहाग के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो, जय हिंद, भारत माता की जय के जयकारे गूंजने लगे। इसके बाद इनको फिरोजपुर छावनी में भेज दिया गया, और 10 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने हथियार डाल दिए। अंग्रेजों ने इस रिसाले का दरबार लगाया, और इस दरबार में कर्नल ने जवानों से हो रही बात पूछी थी कि कोई नया सुझाव दो, आईएनए के सैनिकों के साथ क्या व्यवहार किया जाए। उस समय अमीर सिंह सुहाग ने कर्नल से पूछा था कि आपने युद्ध क्यों लड़ा, तब कर्नल ने जवाब दिया था कि अपने देश की आजादी के लिए। इसके जवाब में अमीर सिंह सुहाग ने भी कहा था कि आईएनए ने भी तो अपने ही देश को आजाद करवाने के लिए युद्ध लड़ा है। अमीर सिंह ने आगे कहा था कि अंग्रेजों को चाहिए कि हमारे देश को आजादी देकर यहाँ से बाहर निकल जाएं। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।